देखिए छोटी छोटी लगने लगी हैं। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं यार बैंगन तोड़ने, और साइकिल आज यार नहीं है क्योंकि यार टायर वायर सब दग चुका है और एक साइकिल पंचर हो चुकी है। तो यार ये देखिए सब झोला ले जा रहे हैं, तो यार पैदल ही जाना पड़ेगा। यार इन दोनों लड़कों से कह रहे थे लेकिन बैठा नहीं रहे, ये देखिए जा रहे हैं आगे, ये देखिए। चलो कोई बात नहीं यार, पैदल ही चले जाएंगे, थोड़ी दूर पर तो है हमारे खेत यहाँ से। चलते हैं अभी, जाएंगे बैंगन तोड़ेंगे और गोभी काटेंगे। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और घाम भी बहुत निकल आया है, तो चल रहे हैं यार। और ये अंगूठा इसलिए ओढ़े हुए हैं क्योंकि यार बहुत ज़्यादा घाम होने लगता है ना, इसलिए। ये देखिए यहाँ पर छहरे में भैंसे बांधी हुई हैं, ये देखिए आग दिखाती है साली, आग दिखाती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आ चुके हैं, और पहले जाएंगे बैंगन तोड़ने। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है गोभी, और इसमें उस दिन पानी लगाए हुए थे आप लोगों को बताएं तो ठीक। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, ये देखिए बैंगन इस तरफ से टूरना स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक पूरे में टूरेंगे, देखते हैं कितने निकलते हैं। और ये वाला मचाना आप लोग पहले देखे होंगे, तो फ्रेंड देखिए एक सेल में पूरी में टूट चुके हैं। और ये देखिए कितने बैंगन मिले हुए, ये देखिए केवल एक किलो भी नहीं है सही से, ये देखिए। यार इतने समय बैंगन महंगा है ना, तो इसलिए यार फर भी नहीं रहे यार, लाग भी नहीं रहे, लेकिन फूल दिया है और गर्मियों में निकलेंगे। और बहुत ज़्यादा यार धूप हो रही है और पूरे खेत में मुझे अकेले ही टूटना है यार, तो यार टूटते हैं जल्दी जल्दी नहीं तो शाम हो जाएगा। और अभी गोभी काटना है और उनको पैक करना है सब चीज़ को, तो यार आज बहुत काम है यार। ये बैंगन टूट चुके हैं और ये देखिए अभी कितने मिले हुए हैं, ये देखिए इस तरफ के पूरे टूट चुके हैं और इस तरफ के अभी टूटने के बाकी है। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारी तरफ गेहूँ ये गुजाई है, ये देखिए पकने लगी है, ये देखिए, ये देखिए अब काटने लायक हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। और गेहूँ देखिए हरे हैं भी और ये गुजाई पक चुकी है। तो यार देखिए अब गेहूँ भी काटना पड़ेगा यार, तो बहुत काम रहेगा। और आप लोगों की तरफ अभी पक रही है गेहूँ नहीं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स यार हमको लगता है आज केवल एक झोला ही पूरे में बैंगन मिलेगा, कम से कम 10-20 होगा खेत और इसमें एक झोला मिलेगा यार, बहुत कम मिल रहा है यार, क्योंकि अभी ये फूल दे रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए फूल इसका काम है यार, हालत ख़राब हो गई है। तो फ्रेंड्स यार बैंगन वैंगन टूर के सब धर दिया है और अच्छे से पैक कर दिया है। और यार पानी इसमें लगाना था, तो ये देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, ये आगे धनिया बोई है इसमें, और ये आगे पालक एक सेल में, और ये वाले देसी खीरा हैं। आप लोग देखे होंगे जो बाज़ार में एकदम पीले पीले कलर के रहते हैं, मतलब जो लाल कलर के, वो देसी खीरा होते, तो इतने बोए हुए हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारी लौकियों में अब लौकी लगने लगी हैं, तो ये देखिए, ये देखिए छोटी छोटी लगने लगी हैं। और देखिए आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम हरा हरा हो चुका है सब। तो फ्रेंड्स यार अभी सब पूरे खेत में पानी लगा दिया है, और अभी यार पाइप को इसको लपेटेंगे तो यार शाम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में।